ये हीरो मेस्ट्रो का मीटर है, ये मीटर मेरे पास बिहार से आई है। इसमें पार्टी का कंप्लेन है कि मीटर उसके गाड़ी पे जैसे चाबी ऑन किया जाता है और ये फ्लैक्चुएट करता है, ये काटा अप डाउन हो रहा है, और ये डिस्प्ले में कुछ डिजिट वगैरह नहीं दिख रहा है, मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अब इसको हम लोग पावर दे के चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए इसको मैंने पावर दे दिया है, देखिए इस तरह से ये फ्लैक्चुएट कर रहा है। इसको हम लोग खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें सर्किट में क्या है, क्या प्रॉब्लम है नहीं है, चेक करते हैं इसको। ये पीसीबी बोर्ड है, इसको हमने ऑन कर लिया है। ये देखिए इसकी निडिल हिल रही है, ठीक है। अब इसकी वोल्टेज को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, और इसमें वाटर डैमेज भी हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो एरिया इसकी है यहाँ पर वाटर पानी खाया हुआ है थोड़ा सा, ये वाले लाइन जितना भी ट्रैक है ये सब पानी खा गया है इस पर। अब इस पर हम लोग देखते हैं कि इसमें बराबर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसमें 6 वोल्ट रिटर्निंग बन रहा है, और इसमें आपका 7 वोल्ट आपका इसमें बन रहा है, ये वाला आपका सही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आपका इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसकी यहाँ से एक ट्रैक यहाँ पर गई हुई है इस वाले, इसमें इसकी ट्रैक को हम लोग चेक कर लेते हैं। इसको पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटी बोर्ड में डाल लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको चेक करते हैं, ये बीप किया तो ये मतलब ट्रैक वगैरह ये है इसकी। देखिए यहाँ से आपका शॉर्टेज है इसमें, जैसे हम लोग यहाँ से इसको चेक करते हैं, देखिए काटा में हरकत आ जाता है, ये थोड़ा सा ये होता है, ये तेज़ी से ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ट्रैक इसकी कटी हुई है, इस पर हम लोग कोई भी एक ट्रैक जोड़ के उसके बाद फिर हम लोग चेक करते हैं इसको ऑन करके, ये वर्क सक्सेसफुल कर रहा है या फिर नहीं। ट्रैक यहाँ से जो कटी हुई है वहाँ पर आप कोई भी वायर वगैरह कुछ भी आप जम्पर मार सकते हो उस जगह पे। जैसे मेरे पास एक वायर है यहाँ पर, मैं इसको जम्पर मार देता हूँ यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब इसको पावर को ऑफ करते हैं, अब इस पर पावर दे के देखते हैं निडिल सक्सेसफुल काम कर रहा है या नहीं। देखिए निडिल पूरा सही काम कर रहा है। अब इस पर हम लोग प्लेट को लगा लेते हैं, ये इसका डम्मी हो गया है, ये डम्मी होता है वो इसको बोलते हैं। इस डम्मी को अब हम लोग इस पर लगा के चेक करते हैं कि इस पर डिजिट वगैरह क्लियर दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। देखिए यह हाथ से छोड़ने पे ये चला जा रहा है, ये चला जाने का कारण है कि इसके पीछे पे ये लोहा का लॉक होता है। इस लॉक को अभी हम लोग कस लेते हैं, ये लॉक को आप लोग यहाँ पर कस लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर चेक कर लेते हैं, देखिए ये सक्सेसफुल काम कर रहा है, ये इसकी निडिल हो गई, निडल को हमने यहाँ पर लगा दिया है। फिर से इसको पावर ऑफ करते हैं, उसके बाद पावर देके इसको चेक करते हैं। पावर ऑफ कर दिया मैंने, अब इस पर पावर देते हैं, देखिए सक्सेसफुल काम कर रहा है। अब इसका फ्यूल को हम लोग चेक करते हैं, ये फ्यूल ये रनिंग कर रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग फ्यूल का सेंसर लाइन डालते हैं, उसके बाद इसको चेक करते हैं ये रनिंग करता है या नहीं। मैंने सेंसर का लाइन डाल दिया है, अब इसको चेक करते हैं ये फ्यूल रुकता है या फिर नहीं रुकता। देखिए फ्यूल ऑटोमेटिक रुक गया है, ये फ्यूल आपका सही है, इस पर फ्यूल से कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूल की तार को हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, इसका स्पीड चेक कर लेते हैं,
अब इस पे स्पीड को हम लोग चेक करते हैं। इसके स्पीड को अभी हम लोग कम कर दिए हैं, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ये स्पीड अगर ये चलेगा इसका, तो यहाँ पर जो 0.9 है, 520.9 ये चलना ही स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग स्पीड को थोड़ा रेस देते हैं, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ये देखिए स्पीड चलना ही स्टार्ट हो गया। अब इसकी चाल 60 पे है, इसको 80 पे लाते हैं, ये 80 90 पे है अभी, 90 के बाद इसको 100 पे ले आते हैं। 110 तक का ये टॉप स्पीड है इसका। आप यहाँ पर देखिए जिस तरह से 100 के स्पीड में चल रहा है, यहाँ पर डिजिट आपका किलोमीटर वर्क कर रहा है, तो मतलब ये आपका सही है, स्पीड भी इसकी सही है। पार्टी का इसमें जो कंप्लेन था कि इसकी डिजिट ब्लिंक कर रही है, स्पीड वगैरह नहीं चल रहा है, तो वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है।